क्या देख रहे हैं? गुड़ गुड़। अरे गुड़ तो सब बिक गया, सारे का सारा गुड़ बिक गया। हाँ नहीं तो क्या, मोती के गुड़ को बिकने में देर लगती है क्या? टोकरी यूं रखी, गुड़ यूं बिका। अल्लाह करे रोज ऐसे ही बिकता रहे। क्यों? यही है इसका गुड़ जिसके लिए मोती मशहूर है। मियाँ पिछले हाट के दिन तुम्हारे नाम पर भरोसा करके बगैर चक के 10 रुपए का गुड़ यही सोच कर ले गया था कि मोती का गुड़ मतलब सबसे अच्छा गुड़। क्या बात कर रहे हैं भाईजान? अरे मियाँ तुम्हारे गुड़ की तारीफ कर रहा हूँ। 10 से दूध की खीर बनाई थी लेकिन तुम्हारे गुड़ की वजह से किसी ने नहीं खाई। दूध चावल का नुकसान तो हुआ, गुड़ का दाम भी डूब गया। मेरे गुड़ में ऐसी कौन सी खराबी? वाह मियाँ वाह, गुड़ बेचते हो और तुम्हें मालूम नहीं खराबी क्या है तुम्हारे गुड़ में? बेवकूफ किसी और को बनाना, खुद चख के देखो, कोई आधे दाम भी नहीं देगा इस गुड़ के। मोती क्या हुआ है तुम्हें? पिछले साल के तुम्हारे गुड़ का स्वाद और उसकी मिठास अभी तक जबान से नहीं गई, लेकिन इस साल तो तुम्हारा गुड़ बिल्कुल रद्दी है। तुमसे अच्छा गुड़ तो छज्जन और अच्छन का है। छज्जन प्यारे, ये मैं सुन रहा हूँ या मेरे कान सुन रहे हैं? जो कुछ भी सुन रहा हो ठीक ही सुन रहा हो अच्छन। अरे बिल्कुल लग गए यार, बिल्कुल। अबे भागो साले यहाँ से, ये गुड़ बेचने के लिए है, तुम्हारे मक्खियों के खाने के लिए गुड़ मोती बनाना है। दो किलो। बोल मानो, बोल मानो। इधर आ, ये कैसा गुड़ बना? कितनी बार समझाया तुझे लेकिन तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता ही नहीं। कौन खरीदेगा इस गुड़ को? अरे जाति कहा सुना नहीं? मैं जो कह रहा हूँ सुनाई पड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ सुन रही हूँ। पहले दिन कैसे बिक गया था, बेचना आना चाहिए। अच्छा तो खुद बाजार चले जाओ, बेच के दिखाओ। गलती से अगर कोई गुड़ खरीदेगा तो तेरी सूरत देख के, गुड़ देख के नहीं, समझी? बेचना आना चाहिए। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे को। अरे बात तो सुनिए, आइए आइए मियाँ। कैसे दिया भाई? यही 3 रुपया किलो। गुड़ तो कुछ अच्छा नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं मियाँ, ये मोती का गुड़ है, मोती का गुड़। मोती का हो या हीरे का, ये सवाद का गुड़ तो कोई 1 रुपए में भी नहीं खरीदेगा और तुम 3 रुपए कह रहे हो। खैर 2 रुपए किलो देना हो तो दे दो। चलो मियाँ 2.5 रुपया किलो लगाओ। देखो भाई जैसा माल है वैसा दाम बोल दिया है, देना है तो दो, नहीं तो और बहुत सी दुकानें हैं। अच्छा कितना तोल दें? एक पाव। छज्जन प्यारे। हाँ छन मियाँ। फूल जान के गुड़ में जान नहीं है प्यारे। अच्छा मियाँ कल आते वक्त डाक घर से पोस्ट कार्ड खरीदा ना मियाँ। वो किस लिए मियाँ? अब मियाँ माजू बी को एक चिट्ठी लिख भेजेंगे के गुड़ की मंडी के राजा का हाल देख जाए आके। चिट्ठी के साथ साथ मोती के चौकते का भी फोटो भेज दो तो और भी जल्दी चली आएगी। मेरी मेहनत में कमी नहीं, पिछले साल से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी ग्राहकों को मेरा गुड़ पसंद नहीं। मजाक उड़ाते मेरा, खिल्ले उड़ाते मेरी। मैं कम दाम पर बेचने को तैयार हूं लेकिन फिर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं।
आखिर क्यों, क्या बात है, क्या कमी है मुझमें? फूल बानो जरा समझने की कोशिश करो, बाजार में मेरा गुड़ नहीं बिक रहा है, बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट रही है। देखो गुड़ बनाने से पहले थोड़ा सा रस कलछुरी में निकाल के देख लिया करो, पता चल जाएगा गुड़ बन भी रहा है कि नहीं। अरे सुनते हो कि नहीं? हाँ हाँ सुन तो रही हूँ। बेकार में बड़बड़ किए जा रहे हो, दिन भर काम करो, रात में इनकी बड़बड़ सुनो। सुनो कल बाजार से थोड़ा मीठा सोडा ले आना, सोडा डालने से गुड़ का रंग भी निखरता है और सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। मैं तो दिन रात यही ख्वाब देखती हूँ कि मेरे मियाँ का गुड़ दिल्ली तक जाए, बिलायत तक पहुंचे। क्या है? मैं तुम्हें रस लेने नहीं जाने दूंगी। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं, तुम्हारी रस को कुछ हो गया है, यही हमारे पीछे सौत की तरफ पड़ा हुआ है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, रस ही तो हमारी रोजी रोटी है। लेकिन सबकी रोजी रोटी रस से तो नहीं चलती। तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते जिससे हमारा जीवन सुखी रहे? न तुम्हें कोई शिकायत हो न मुझे। नहीं फूलजान, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आज अगर चार लोग मुझे जानते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, तो उसकी वजह मेरा अच्छा रस है, मेरा लाजवाब गुड़। मेरी जिंदगी में अगर रस नहीं तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? सुनना, देख फूलजान, जितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी तू है ना, रस उतना ही मीठा होता है। अगर तू उसकी ठीक से देखभाल नहीं करेगी तो वो भी तुम्हारी तरह नाराज हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, और फिर तुम तो जानती हो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मतलब है मैं मेहनत नहीं करती? मेरी हालत देखो, दिन दिन भर भट्टी के सामने बैठकर मेरा बदन कितना झुलस गया है। वो सब तो ठीक है फूलजान, लेकिन मुझे गुड़ वैसा ही चाहिए जैसे मैं पहले बेचता था, जिसकी लोग तारीफ करते थे, मुंह मांगे दाम देते थे। देख फूलजान, रस उबालने के लिए लगन समझदारी की जरूरत है, और तू एक होशियार लड़की है, गुड़ इतना मीठा निकले जितनी मीठी तू है।